आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप सबके सपोर्ट से मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और गाइज, आज का नया फिल्मी प्रोजेक्ट खेसारी लाल भैया का है, तो आप सभी को उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइज, फिल्मी प्रोजेक्ट ऐसे ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल करना मत भूलिएगा। और गाइज, आज का फिल्मी प्रोजेक्ट में 5 स्टेप तक पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के लिए फुल वीडियो देखिएगा और आखिरी तक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइज, वीडियो की स्किप करेंगे तो हो सकता है पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम जाए, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइज, आप सभी को पता ही, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जहां पे मैं डीजे ट्रैक म्यूजिक करता हूं, उस काउंटर पे मैं अभी बैठा हुआ हूं और वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आप सभी को ये मेरा ये अभी का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने छोटा भाई साजन राजा को। और चले गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं फिल्मी प्रोजेक्ट कैसा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो तो आप सब पे डिपेंड पड़ता है। आप सबको कैसा लग रहा है वो कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ट्रैक म्यूजिक और फिल्मी प्रोजेक्ट। तो चले गाइज, बिना इन्वेस्ट किया और बिना बकवास किए चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल नहीं किए तो बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और चलिए गाइस, चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, मैं आ चुका अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और ये रहा FLP प्रोजेक्ट डीजे ट्रैक म्यूजिक खेसारी भैया का। तो चलिए गाइस, सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट किए खेसारी भैया का FLP प्रोजेक्ट और डीजे ट्रैक म्यूजिक। तो चलिए प्ले करते हैं। गाइज, मैं एक बात और बता दूं, देखिए गाइज, मेरे जो स्टूडियो का 2-4 सिंगर था वो बोल रहा था कि मेरे डीजे ट्रैक म्यूजिक में बेस नहीं रहता है। तो गाइज, बेस मैं इसलिए नहीं देता हूँ ताकि कोई सिंगर मेरे डीजे ट्रैक म्यूजिक पे गाए तो उसका वोकल फटे नहीं। तो मैं 2-4 ट्रैक बनाया हूँ बेस खोलकर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये किक है, किक का जो मैं बेस हूँ वो आउट को हाई नहीं किया हूँ। जैसे कि मैं जितना भी FLP प्रोजेक्ट देता था और डीजे ट्रैक म्यूजिक आप सभी को देता था, उसमें मैं बेस को ये आउट को कम किया था, बेस को कम करके देता हूँ, क्योंकि कोई भी सिंगर गाए ट्रैक पे तो उसका वोकल फटे नहीं। और मेरे सिंगर जो है, 2-4 सिंगर मेरे स्टूडियो में आता था, वो बोल रहा था मेरे बेस नहीं रहता है मेरे ट्रैक में। तो मैं बेस खोल के और ट्रैक बनाया हूँ, ये ट्रैक और 2-4 ट्रैक बनाया हूँ और ट्रैक पे मैं रिकॉर्डिंग किया तो उस पर वोकल फट जाता था, नहीं तो ट्रैक ही फट जाता था। इसलिए मैं पहले का ट्रैक मैं जितना भी बनाता था उसमें मैं बेस को कम करके बनाता था ताकि किसी का वोकल फटे नहीं। और 2-4 ट्रैक बनाया हूँ वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वैसे आप सब बनाते हैं डीजे ट्रैक म्यूजिक और की को पूरा छोड़ देते हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा, आउट को थोड़ा हाई कर दीजिएगा और इसको थोड़ा ट्रिम कर दीजिएगा ताकि बेस फटे नहीं और किसी का वोकल ट्रैक पे फटे नहीं। इसलिए मैं सब में बेस कम करके बनाता हूँ, ट्रैक में बेस कम करके ही बनाइएगा। डीजे सॉन्ग्स है तो फुल बेस कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक में कम करके बनाइएगा। इसलिए कम करके बनाइएगा ताकि कोई भी सिंगर स्टूडियो में जाए और सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग करवाए और गाए तो उस पर उसका वोकल फटे नहीं। तो चलिए गाइज, मैं अब से बनाता हूँ ट्रैक, उसमें मैं आउट को हाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं किक को थोड़ा मास्टरिंग कर लेता हूँ। लेकिन मैं जो ट्रैक 2-4 बनाया उसमें थोड़ा मास्टरिंग नहीं किया और किक में भी पूरा बेस छोड़ दिया, इसलिए दिक्कत आ गया था। ट्रैक में भी 2-4 ट्रैक बनाए और वोकल रिकॉर्डिंग करते समय दिक्कत बहुत ज़्यादा आता था। किक में मैं बेस खोल के नहीं अब बनाता हूँ ट्रैक। तो आप सभी बेस को खोल कर बनाते तो ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो आप सभी को पता ही कि क्या होगा। चलिए गाइज, अब सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे का FLP प्रोजेक्ट। गाइज, थोड़ा सा सॉन्ग्स भी सुनते हैं।
अरे यार कोई तो मेरे टेलीग्राम पे फॉलो करो और ट्विटर पे भी फॉलो करो। कोई लोग ट्विटर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है और टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, ट्विटर पे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। यार कोई सपोर्ट करो मेरे ट्विटर पे भी, और आप सब ट्विटर पे भी सपोर्ट कीजिए। ऐसा बात नहीं है आप सब नहीं सपोर्ट करेंगे, मेरे को पता है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। मैं एक बार बोल दिया और आप सब सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। FLP प्रोजेक्ट और व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, इसलिए दिल से थैंक्स आप सभी को। वैसे ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तीनों पे थोड़ा बहुत प्यार दुलार अपना दिखाइए यार। और चलिए गाइस आगे सुनते हैं FLP प्रोजेक्ट खेसारी भैया का। गाइज मैं एक बात और दिखा दूं आप सभी को, ये जो देख रहे हैं ये पैटर्न मैं आप सभी को सुनाता हूँ, ओनली पैटर्न। चलिए पैटर्न प्ले करता हूँ। ये पैटर्न इसलिए लगाया गया है, देखिए यहाँ से ऐसे जो वोकल का जो स्केल होगा, स्केल यहाँ से उठाएगा और यहाँ से डाउन करेगा, इसलिए ये पैटर्न ऐसे बना हुआ है। यहाँ से स्केल उठेगा और यहाँ से डाउन होगा, सिंगर जो गाएगा वहाँ पे स्केल ऑटोमेटिक, ये जो पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न से उसका स्केल हाई और लो होगा, हाई लो होगा, इसलिए ये पैटर्न बना हुआ है। तो चलिए गाइस जब ट्रैक सुनते हैं आप सभी को, मैं थोड़ा बहुत सुझाव भी देता हूँ अपने FLP प्रोजेक्ट में। और आप सब लास्ट तक नहीं देखते हैं, लास्ट तक जो लोग देखता होगा मेरा FLP प्रोजेक्ट वो कुछ ना कुछ जरूर सीखता होगा मेरे वीडियो से और FLP प्रोजेक्ट से। चलिए गाइस आगे सुनते हैं FLP प्रोजेक्ट। तो गाइज फुल FLP प्रोजेक्ट सुन चुके हैं, कैसा लगा है जाकर कमेंट में जरूर बताइए। और चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए और बिना बकवास किए लगाते हैं वीडियो में इन डिस्क्रीन। मिलते हैं कोई नए FLP प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने छोटे भाई साजन राजा को और आगे बढ़ाते रहिए। चलिए गाइज लगाते हैं इंड स्क्रीन।